गणपति बप्पा के जय घोष के साथ रामगंगा घाट पर किया भक्तजनों ने विसर्जन। गणपति बप्पा का विसर्जन सभी भक्तजनों ने पैर छूकर व उन्हें अगले वर्ष आमंत्रित करके किया। सभी भक्तजनों ने अपने अपने साधनों से व अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप गणपति बप्पा को ले गए और रामगंगा घाट पर विसर्जन कर दिया। पिछले 7 दिनों से चल रहे गणपति बप्पा का उत्सव सभी भक्तजनों ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया। भक्तजनों ने इस मौके पर अपने अपने घरों में भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित की थी और उसके बाद आज समय पूरा होने के बाद उन्होंने विसर्जन भी कर दिया। इस मौके पर नकुल, महेश सेठ आदि मौजूद रहे। तो राहुल मेहता जी, आप हमें ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं और ये 7 दिन का प्रोग्राम आपको कैसा रहा? मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश का मंडल प्रभारी हूँ। हर साल अपने घर पे गणपति बप्पा जी को हर साल लेकर के आता हूँ, उनकी 7 दिन पूजा करता हूँ, अच्छे से उनकी बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो जिस तरीके से करनी चाहिए पूजा करके उन्हें राम गंगा जी में हर साल विसर्जित करता हूँ। क्योंकि इस साल कोरोना काल चल रहा है तो उस तरीके से, तो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से समय कोरोना काल को देखते हुए पूरे देश में महामारी का दौर चल रहा है और इस समय बहुत ज़्यादा कोरोना काल में मौतें भी हुई हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आगाह करा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप सारे काम करें, तो हमने भी वही काम करा है। और इस बार अपने घर पे हम लोगों ने गणपति जी जो पहले चौक में अपने रखते थे विसर्जित करते थे, वो इस बार हम लोगों ने अपने घर पे छोटे रूप में विसर्जित करके अपने घर पे रखे हैं और कोरोना काल को देखते हुए उत्सव को मनाया है। और ये अभी भी इस वक्त भी हम कोरोना काल को देखते हुए जो धूम लड़ाके से हम लोग विसर्जित करने आते थे वो नहीं करा है, सिंगल हम 2 लोग ने आकर के यहाँ पे विसर्जित करे हैं गणपति जी। जय हो गणपति बप्पा मोरया। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।